मैं बिरमा एरिया में आया हूँ, आऊँ बिरमा गांव में। इधर तेंदुए के लिए बहुत दिक्कत है, लोग परेशान हैं, तेंदुआ आया हुआ है, लोग बहुत मतलब डरे डरे सामे सामे हैं। तो मैं भैया से पूछता हूँ कि क्या है भैया, क्या सही बात है कि इधर तेंदुआ आया हुआ है? सही हकीकत बात है, ये जो बिरमा जंगल कीता सेम है, वहाँ पे एक रोज आया तो वहाँ पे एक गाय थी और एक बाछड़ा, वो दोनों लोगों को मार दिया, पूरा हत्या कर दिया, गला भी काट लिया, ये सारी मांस खा चुका पीट का देह का, वो दोनों मर गए। फिर चार दिन के बाद विजय प्रधान का जो टोला है हमारे यहाँ के बीरवा का, विजय प्रधान जो है उनके गांव पे एक बाछड़ा था और एक गाय, वहाँ पर भी दो जानवर मारा, मार करके वहाँ पर भी खा लिया और ब्लड भी पी लिया। उसके ठीक पाँच दिन के बाद सुरेंद्र निषाद बीरवा का ही है निवासी, मझन के खाल पे रहते हैं, उनका भी मतलब एक करीब 22-23 किलो का ये खसी का बच्चा, बधिया बच्चा था बकरा, घर में से उसका। कब की बात है खसी को, कब ये खसी वाला हो गया? करीब आज एक हफ्ता, आज कितना तारीख है भैया? आज आपका 28 है, आज 28 है ना, करीब वो 17-18 तारीख की बात है। मतलब देखिए इधर के लोग बहुत ज्यादा आप लोग परेशान हैं, बहुत ज्यादा भी हम लोग। अच्छा, कुछ सरकार के तरफ से कुछ होता है कि नहीं? दो बार आए थे लोग देखने के लिए, देखो करके अपना चले गए वो लोग। फिर आप एक रात में 2-3 पुलिस भी थी, वो भी लोग चले गए, कुछ मतलब ये नहीं हुआ। जब वो निकलता है शाम के टाइम में निकलता है और निकल करके बहुत ज्यादा मतलब आतंक फैलाता है, फिर हम लोग दौड़ाते हैं लाठी डंडा ले करके और भल्ला दंगा सुनता है फिर भाग लेता है जंगल के तरफ। आप अभी ये बता रहे थे कि कोई किसी का खसी 4-5 दिन हुआ, इनका कहना है, आपका नाम क्या हुआ? मेघनाथ जी का कहना है, बताइए क्या हुआ? के खाल में सुरेंद्र के निषाद है, 22-23 किलो खसू करीब 5 बजे भोर में मार दिया। देखिए ये लोग कितने परेशान है, कितने दिक्कत में है कि एकदम इन लोग का जीना दुर्भर हो चुका है। आपका सर नाम क्या हुआ? सर हमारा शंभुनाथ निषाद। शंभुनाथ जी, ये सारे लोग जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हैं, तेंदुए की वजह से बहुत परेशान हैं। थोड़ा सरकार को भी इधर अपना ध्यान देना चाहिए कि इन लोग का जीवन अच्छा मतलब रात में शांति से बढ़िया से सो सके। अच्छा सर, आप लोग को देखिए सर, कह रहे हैं कि हम लोग बहुत परेशानी, ज्यादा परेशानी, बहुत दिक्कत में है सर। हम लोग रहते हैं झोपड़ी उपड़ी में, हम लोग एकदम अंदर ही सोते हैं जाकर के। इसको सर आप लोग जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना बहुत बढ़िया रहेगा इन लोगों के लिए, ताकि सरकार तक जाए या समाचार या खबर सरकार तक जाए। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर।